इट इट वोंट यूज एनीथिंग बियॉन्ड नंबर्स। जो तुमने नंबर्स पढ़ा है अभी पिछले 6-7 क्लासेस में, उसका भी 20% चीजों पे ये बेस्ड है। कई चीजें तो हम नंबर्स में नहीं पढ़ाते ना तुमको, एज ए कैट लेवल आके कि 45 + 23 जोड़ने कैसे जोड़ते हैं, ये तो तुमको नहीं पढ़ाया जाता, बट बेस थ्योरम में ये भी पढ़ना है। तो सोचो कितनी आसान चीज है, मतलब इट्स टू इजी। बेसिक लेवल की चीज है कि नंबर कैसे क्रिएट होता है, डिजिट्स की वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि 4, 5, 6, 7, 1, तो इसमें दिस सिक्स हैज फेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 6 एंड प्लेस वैल्यू इसका जो है, प्लेस वैल्यू जो है ये इसका है 6 × 10^2। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम है, ठीक है। तो हाउ नंबर इज बीइंग क्रिएटेड, हाउ नंबर इज बीइंग एडेड, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स, ये सारी चीजें जो है हम बेसिकली नंबर्स में भी नहीं पढ़ते, बिकॉज वी कंसिडर दैट यू नो फ्रॉम योर स्कूल की डेसिमल सिस्टम क्या है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे घटाते हैं, ये सबको तुम लोग को पता है। तो वो चीजें हम नहीं पढ़ाते क्योंकि वो बहुत ही आसान है। अब तुम सोचो कि बेस थ्योरम में हम वो चीजें पढ़ाएंगे जो हम तुमको नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ा रहे थे जनरली, यानी कि वो बहुत ही आसान चैप्टर है, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट चेंजेस योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि अब हम तुमको हर नंबर्स की डिफरेंट वैल्यूज है ना, आपका सोचने का या फिर आपके जो बेस है ना, बेस चेंज हो गया। जैसे 10 से मान लो 5 का बेस कर दिया, तो एवरीथिंग वोंट हैव हाफ वैल्यू, क्योंकि तुम्हें लगता है 10 से 5 हुआ तो हाफ हो जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट विल हैव द वैल्यू रिड्यूस्ड बाय डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट प्लेसेस। अब तुम बोलोगे सर ये आपके स्टेटमेंट का मतलब मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, ठीक है, ऑफ कोर्स नहीं समझ में आया होगा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि एक नंबर 1, 4, 5, नॉट 5, 1, 4, 3, ये तुम्हारा 10 के बेस का एक नंबर है, तो आप इसको बोलते हो कि ये नंबर है 1 × 10² + 4 × 10 + 3 × 10^0। ये बोलते हो, ये डेसिमल सिस्टम में। इफ आई से कि सेम नंबर जो है अगर 5 के बेस में है, तो व्हाट विल यू से कि ये नंबर ऐसा है सर, ये 1 × 5² + 4 × 5^1 + 3 × 5^0। अब तुम देखो बेस मैंने हुआ आधा, बट ऐसा नहीं है कि हर जगह इसकी आधी वैल्यू है, यहाँ पे सेम है ना, मतलब फॉर दिस थ्री बोथ द प्लेस हैज सेम वैल्यू, दोनों जगह से 3 निकलेगा। सेकंड वाले के लिए हाफ हो जाएगा वैल्यू, दिख रहा है, जैसे यहां से ये बनेगा तुम्हारा 40 और यहां से ये बनेगा 20, बट इस वाले जगह के लिए 1/4 हो जाएगा, ये बनेगा यहाँ से 100 और ये बनेगा यहाँ से 25। तो ये डिफरेंट है, अगर मैं बोलता कि सब जगह आधा आधा लेना है तो तुम्हारे लिए तब भी आसान होता, तुम दिमाग में बैठा लेते कि जो भी मैं देख रहा हूँ उसका हाफ होना, बट यहाँ पे क्या है कि एवरी पोजिशन विल हैव डिफरेंट रिडक्शन फैक्टर। तो पॉइंट ये हो जाता है कि जब हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं तो हमारे सोचने के तरीके में उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई ये वाला जो एक्सरसाइज है या ये वाली जो चैप्टर है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में दे फोकस मोर ओवर दिस। क्यों? क्योंकि दिस एक्चुअली पुट यू इन अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड आस्क यू द वेरी बेसिक थिंग्स, है ना। तो ये जैसे आप समझदार हो, ठीक है, हो सकता है कि आप रटे रटाए समझदार हो, तो ऐसा है कि चलिए आप दूसरी दुनिया में चलिए जहाँ सारी चीजें यही होंगी बट अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगी, और वहां आप अपनी समझदारी दिखाइए, तब हम आपको मानेंगे कि आप समझदार हैं। होपफुली मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ ना क्लास, यस बात अभी तक समझ में आ गई? तुम लोग बताओ थ्योरी वाली बात समझ में आ गई? क्योंकि कोई भी चैप्टर को सीखने का सबसे पहला वो स्टेप क्या होता है कि आप पहले तो ये समझो कि सीखूं ही क्यों, है ना, वाई शुड वी लर्न। तो इस क्वेश्चन को अभी तक हमने पूरी तरह से वो नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया है ना, वाई शुड वी लर्न, बट ये तुम समझ में आ गया होगा कि आप ये किस तरफ मूव कर रहे हैं।
तो अब नाउ लेट्स गो फॉर द काउंटिंग, हाउ डू वी काउंट थिंग्स, नेचुरल थिंग्स। जैसे मान लो कि मैं कुछ डॉट्स क्रिएट कर दे रहा हूँ, मैं वन टू थ्री, ठीक है, ये कितने ये है पॉइंट से बताना जरा सा। सेवन और सेवन सेवन दोनों साइड 49 है। ठीक है, वेरी गुड, 49 इन डेसिमल वे में है ना। तो जैसे अगर मैं काउंटिंग करता हूँ 49 कैसे पहुँचता हूँ मैं, तो आप बोलोगे ऐसे आप काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद, सिंस वी डोंट हैव अ डिजिट फॉर 10 क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम में कर रहे हैं, तो हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 10 डिजिट है। तो 9 के बाद वी डोंट हैव डिजिट फॉर नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल टेल, इस पॉइंट पे आई विल टेल वन टाइम 10 कंप्लीटेड। तो जब मैं बोलता हूँ वन टाइम 10 कंप्लीटेड, तो आई विल गो लाइक दिस। ठीक है, फिर इसकी काउंटिंग में क्या लिखेंगे, वन टाइम 10 कंप्लीटेड एंड वन, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है, बताओ ये काउंटिंग करने का। यस सर। एवरीवन, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बोलो। सर सर ये समझ नहीं आया कि 1011 क्यों लिखा, 10 और नीचे उसके 11, मतलब समझ नहीं आया। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो पॉइंट था ये वाला, ये 10 क्यों लिखा है, समझ में आ गया? नहीं, क्योंकि कंप्लीट हुआ इसलिए। हाँ, ये कंप्लीट हुआ, वन टाइम 10 पूरा हुआ। अच्छा, तो यूनिट प्लेस पे जितनी हो सकती थी उसको हमने कंप्लीट करके 1 लिख दिया कि एक बार वो पूरा सेट पूरा हो गया। अच्छा, समझ में आ रही बात। जैसे मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हो गया, और अगले वाले से एक पूरा सेट पूरा हो गया 10 का। हाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है तो 10 का पूरा सेट हो गया और एक और, तो इस वाले यूनिट प्लेस पे हमने एक और लगा दिया। ठीक है, ठीक है, तो फिर 10 और 1 एक और। हाँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 9 के बाद, चूंकि 9 पूरे हो गए तो फिर 2 टाइम सेट्स पूरा हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2 times 10 कंप्लीट। हाँ, तो इसको आप या तो ऐसे बोलो कि 2 times 10 कंप्लीट हुआ, या 2 times set कंप्लीट हुआ। सेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी भी बेस में ना लिखेंगे हम 20 ही है ना, तो उसमें जैसे यहाँ पे इस जीरो का मतलब, यहाँ पे ये 20 का मतलब 2 times 10 होता है, अलग अलग बेस थ्योरम में अलग अलग वो होगा, बट फाइनली लेट्स काउंट इट। फिर इसी तरह से आप करते करते बोलोगे कि फिर आपने 2 1 2 2 ऐसे करके गिनना शुरू किया होगा, फिर आप बोलोगे 3 times set पूरा होगा, फिर आप बोलोगे कि 3 1 3 2 ऐसे करके आप चलते चलते 4 times set पूरा होगा, और ऐसे करते करते आपका लास्ट 4 9 हुआ होगा। ठीक है, ऐसे ही काउंट किए होगे ना तुम लोग, बोलो। हाँ। नहीं, हाँ। तुम तो 7 into 7 किए थे ना, कैसे झूठ बोलते हो। नहीं, मतलब आप अभी बता रहे हो कि ऐसे होता है ना। हाँ, तो दिस इज हाउ वी काउंट। ठीक है, दुनिया में ऐसे ही काउंट करते हैं। और हाँ, इसमें जैसे हमने 1 कंप्लीट हुआ तो 10 लिख दिया, फिर उसके बाद 1 एक्स्ट्रा था तो हमने 1 1 लिखा, तो हमने उसको क्यों लिखा है, एज इन हम लोग फिर दोबारा काउंटिंग तो स्टार्ट कर सकते थे। दोबारा काउंटिंग ही तो स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं 1 1 कंप्लीट हो गया एंड 1 मोर। अच्छा, तो इस 1 को हमने इसके साथ लगा दिया क्योंकि दिस प्लेस पे 0 है, कोई वैल्यू तो है नहीं, है ना। हाँ। तो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया कि हम 1 1 लिख देंगे इसको, दिस इज बेसिकली 10 + 1। अच्छा, फिर उसके बाद हमने 20 लिखा। हाँ,
फिर हमने 20 लिखा, फिर 20 के पास 20 प्लस 1 कर दिया, तो फिर इसको हमने इसके साथ लगा दिया। पर हम ये प्लस 1 क्यों कर रहे हैं अगर हमें ऐड करना है सारा? ऐड नहीं करना है, हमें लिखने का कोई तरीका डेवलप करना था, तो हमने 10 विथ 1 एक्स्ट्रा उसको हमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि इस जीरो पे हमने 1 सुपरइम्पोज कर दिया कि यहां पे जीरो ना होके एक और है। दिस इज हाउ वी राइट, मतलब ऐसे अगर हम रोमन में तुम देखते ना, तो रोमन में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता लिखने का, ठीक है? वहां पे अब क्या है कि जैसे ये 10 था, क्योंकि इट दे हैड टू क्रिएट अ डिफरेंट सिंबल फॉर 10, क्योंकि देयर वाज नो बेस इन रोमन सिस्टम, ठीक है? हाँ सर, वो तो मैं समझ गई कि हाँ सबका अपना वे है, हर सिस्टम बेस सिस्टम में भी अलग अलग सिस्टम्स का अलग अलग वे होता है लिखने का। बट माय क्वेश्चन इज कि जैसे हम लोग 10 लिख रहे हैं वो समझ आ गया, उसके बाद हमने एक वैल्यू जैसे 10 जब 9 हो गया था, तो उसके बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू को हमने लिखने के लिए 1 और ऐड किया कि 10 हो गई डिजिट एंड 1 मोर से हमने 11 लिख दिया। बट उसके बाद फिर हमने 12 क्यों ना लिखकर हमें 20 लिखा? ओ ये तुम गजब हो, तुम क्या नाम है तुम्हारा एक बार फिर से बोलो। प्रांजल सर। हाँ प्रांजल, कान पकड़ो जरा सा। ये मैंने स्किप किया ना, मैंने बोला कि इस तरह से 12 ये 13 ये 14 होते होते 20 तक पहुंचेंगे। अच्छा ठीक है, वही कंफ्यूजन थी। अब मैं अगला लिखने ही वाला था यहाँ से 100, तुम बोलते कि आपने सीधा वहां कैसे चले गए, मतलब इट लाइक वी स्किप ना कि आप तुम ऐसे लिखते चले जाओगे 1 2 1 3 1 4 ऐसे करके 19 होने के बाद तुम क्या करोगे, है ना? ये एक बार और सेट पूरा हो गया तो हम इस पे एक और लगा देंगे कि 2 सेट पूरा हुआ। हाँ ठीक है। फिर 21, 22 ऐसे 30 तक पहुंचे, ऐसे 49 तक पहुंचे, है ना? इसी तरह से अगर और भी डॉट्स होते तो हम 5 सेट पूरा करते, फिर 6 सेट पूरा करते, फिर 7 सेट पूरा करते, फिर 8 सेट पूरा करते, फिर 9 सेट पूरा करते, फिर 99 एक जगह आ जाता, और इस पॉइंट पे आपका क्या हो जाता है, एक और अगर हम ले लें यहाँ से तो कितने सेट्स पूरे हो जाएंगे? 10 सेट्स पूरे हो जाएंगे। 10 सेट पूरे हो जाएंगे। हाँ, तो इसको हम लिखेंगे 10 सेट्स पूरे हो गए, है ना? ये जो 10 है वो 10 सेट्स, और ये वो है इतने सेट्स, है ना, 10 10 के। तो बेसिकली ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो 10 × 10 मतलब 10 बार 10 को एग्जीबिट करता है, ठीक है? ठीक है, तो फिर हम यहाँ से 100 के बाद फिर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो हम फिर 101 लिखेंगे क्योंकि इस पोजीशन पे एक ऐड हो रहा है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो फिर 102 लिखेंगे, फिर 103 लिखेंगे, ऐसे करते करते हम एक बार मतलब 10 बार 10 पूरा हुआ प्लस एक बार और 10, है ना, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है? तो अब समझ रहे हो ना कि हाउ काउंटिंग हैज बीन डेवलप्ड। ये समझ में आ गई तुम लोगों को, इवोल्यूशन ऑफ काउंटिंग समझ में आ गई? हाँ सर। ये हमारा इवोल्यूशन ऑफ काउंटिंग है, और इसी तरीके से हम प्लेसेस लेफ्ट में मूव होता जाता है, तो उतने टाइम्स उतने का इसको मतलब बढ़ता जाता है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ डिड वी राइट द काउंटिंग व्हेन द बेस वाज 10। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं सेम नंबर ऑफ डॉट्स को दूसरे बेस में लिखूंगा, सेम नंबर ऑफ डॉट्स को। लेट्स से आई पिक्ड बेस ऑफ 7, ठीक है, यू कैन पिक एनी बेस, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी बेस में, बट 7 मैंने पिक कर लिया। तो लेट्स से 7 के बेस के लिए मेरे पास डिजिट्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, ध्यान रहे। हाँ, 7 के बेस में 7 एज अ डिजिट नहीं यूज होगा। अब मैं फिर से काउंट करना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस जगह पे क्या बोलूंगा मैं? 1 × 7 हो जाएगा। 1 × 7 कंप्लीट हुआ, ठीक है? तो हम इसको काउंटिंग जो कर रहे थे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद लिखेंगे 10। 10 says कि 1 टाइम ये वाली सेट कंप्लीट हो गई। प्रांजल समझ में आया? हाँ सर आ गया। पूछ लेना, डाउट में मत रहना, और कोई भी?
सर रिपीट करना ये सेवन बेस वाला एक बार फिर से स्टार्ट. मैंने फिर से काउंटिंग शुरू किया 1 2 3 4 5 6 6 के बाद फॉर 7 आई डोंट हैव एनी डिजिट तो उसकी बजाय हम लिखते हैं वन टाइम आई कंप्लीटेड 7 है ना. तो 10 इज जस्ट द बेस फॉर एनी सिस्टम ठीक है. अब इसके बाद सेट कंप्लीट हो रहा है वहां 10 लिखते हैं. हाँ इसके बाद अगला काउंटिंग कैसे लिख करेंगे फिर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और यहाँ क्या लिखेंगे हम 2 0 2 0. सिमिलरली हम 2 1 और ऐसे करके जब जब यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 0 3 0. ऐसे डेसिमल में कौन सा नंबर है हमारा डेसिमल में तो 21 होगा 21 है ना क्योंकि हम इसी सीक्वेंस में लिखते जा रहे हैं ना तो डेसिमल में 21 वाला है. बट क्या मतलब हुआ इसका मतलब अगर अगर तुम्हें मैं बोलता है कि खुद से काउंट करो अपने सिस्टम में तो तुम कैसे काउंट करती है यहाँ पे 10 नहीं बोलते ना. अगर मैं तुमको बोलता कि तुम इसको काउंट करो अपने सिस्टम में अपना मतलब डेसिमल सिस्टम तो तुम यहाँ पे 10 नहीं बोलते तुम आके यहाँ 10 बोलते 1 2 3 4 ठीक है. तो यहाँ पे आके तुम 21 बोलते ठीक है. तो हमने बेस अगर कम किया है तो नंबर की वैल्यू जो है देखो ज्यादा दिख रही है. जैसे यहाँ पे डेसिमल में 21 दिख रहा है और यहाँ पे 30 दिख रहा है तो इसको हम 30 कभी नहीं बोलते हैं याद रखना. इट इज नॉट 30 ठीक है. इट इज 3 टाइम बेस कंप्लीटेड और इसको सिर्फ 30 बोलोगे ऑन 7. बात मेरी समझ में आ गई. जैसे इसको 21 हम बोल दे रहे हैं बिकॉज 21 इज अ वर्ड यूज्ड इन डेसिमल सिस्टम ठीक है. लेकिन जो ये वाला है इसको हम 21 नहीं बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे 3 टाइम बेस कंप्लीटेड. नहीं नहीं इस इसको बोलेंगे हम यहाँ पे 2 1 ऑन बेस 7 है ना. इसको हम बोलेंगे 2 1 क्योंकि ये काउंटिंग पूरी जो हम कर रहे हैं ये ऑन बेस 7 कर रहे हैं ठीक है. तो यहाँ पे आपके नंबर्स डेसिमल नंबर्स की तरह नहीं प्रोनाउंस किए जाएंगे. जैसे आप ऐसे मत प्रोनाउंस करने लगना कि 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 20 ऐसा नहीं है ना. आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे 1 2 3 4 5 6 वन टाइम बेस कंप्लीटेड ऑफ 7 या फिर 10 ऑन बेस 7. फिर इसके बाद 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे बोलोगे. अंडरनीथ एवरी नंबर हैज आल्सो कॉल्ड कि बेस 7 है. हाँ. है ना. भले ही मैं बोल नहीं रहा हूँ लेकिन तुम जानते हो कि यहाँ बेस 7 है. तो अब ये अगर हम 31 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 40 और 41 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा 50 51 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा 60 और 61 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आगे क्या हो जाना चाहिए 70 कौन है 100 हाँ यहाँ पे 100 हो जाएगा और इसके जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा होगा वो होगा 69 वाला कौन है 69 कैसा हो गया ठीक है. ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई. तो इसी तरीके से जैसे मैंने ये काउंटिंग की है ऐसे आप किसी को भी काउंट कर सकते हो कैसे भी बेस में काउंट कर सकते हो. तो इफ आई विल से जैसे मैं तुमको अब सोच के बताओ कि सेम नंबर को अगर मैं 5 के बेस में काउंट करूं तो क्या लिखूंगा 4 1 0 बेस 5 कौन सा वाला नंबर को 5 के बेस पे बोल रहा हूं यही सारे डॉट्स को काउंट करो मैं 5 के बेस में तो 0 1 अपने 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 मन में काउंट करो फिर मुझे बताओ. अच्छा सर
एक ये बता दो 100 कैसे हुआ ये? 100 कैसे हुआ? तो ये 6666 में क्या पढ़ेंगे हम, बोलेंगे क्या इसको? 6 टाइम बेस कंप्लीट हुआ एंड 6 मोर. जब इसमें एक और ऐड करेंगे तो 7 टाइम बेस कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो 7 टाइम बेस कंप्लीट का मतलब एक बार और बेस कंप्लीट हुआ, तो उसको 1000 लिखेंगे. एक बार और बेस कंप्लीट हुआ, अच्छा. बेस टाइम, है ना? बेस टाइम बेस मतलब ये नंबर का मतलब हो गया बेस टाइम बेस कंप्लीट हुआ. बेस टाइम बेस मतलब अगर 7 है तो 7 टाइम 7 कंप्लीट हुआ, दैट इज 49. ठीक है, बताओ 49 को क्या बोलोगे? सोच के बताओ एक आदमी, कोई भी. क्या सर, क्या क्वेश्चन? सेम डॉट्स को, इन्हीं सारे डॉट्स को जो मैंने तुमसे यहाँ पे वो कर रखा है, लिख रखा है, इन डॉट्स को अगर 5 के बेस में काउंट करेंगे तो व्हाट विल बी द नंबर बाय व्हिच इट आई विल रिप्रेजेंट दिस काउंटिंग? 44. 44 कौन बोला? सृष्टि. कैसे 44 है ये सर? मतलब 5 का बेस होगा तो 100 मतलब 100 होगा 25 डिजिट्स पर. 25 पे. तो 25 तो यहीं पे है ना कहीं पे? 134. एक मिनट रुक जाओ, 25 वाला तो यहीं है ना सृष्टि? 134. तो मतलब 100 से भी आगे जाए इसमें. तो ये जो 25th वाला है, है ना, ये 25th वाला है, ये होगा 100. फिर 100 के बाद एक बार और, हाँ, एक बार और 5 कंप्लीट होगा तो हम लिखेंगे 110. ठीक है, फिर एक बार और 5 कंप्लीट होगा तो हम लिखेंगे 120. 130 आएगा, फिर 134. एक बार और 5 कंप्लीट करेंगे तो आ जाएगा एक बार 130 हो गया. 45 और एक बार और 5 कंप्लीट करेंगे तो 140 हो जाएगा, और 4 और एक्स्ट्रा तो 140.4 प्लस 4 और, तो ये 144 हो जाएगा. सर 130 कैसे, 140 तक कैसे जा रहा है? 130 तक ही तो जा रहा था मेरा. तुम गलत सोचोगे. 5 और फिर से 5. इसको हम ऐसे लिखेंगे 144 ऑन बेस 5. मेरा 134 आ रहा है. 134. एक बार और देखो ना, 25 वाला जो डॉट है वो 100 होगा. हाँ 100 होगा. तो 25 के बाद एक बार 5, एक बार 5, एक बार 5 प्लस क्या हो गया, एक बार और 5 ही कितना हो गया, 45 हुआ, और एक बार 4. हाँ 135. तो ये 100 है, ये आपका 10 है, ये 200 होगा. हाँ ये 10 है और ये 4 है. और तुम ऐसे भी समझो ना कि अगर हम दो बार 25 ले लेते हैं, 50 पे हमारे 50 पे, तो 100 तो इसको हम लिखते 2100. हाँ उससे एक पीछे. हाँ तो उससे एक पीछे का हम क्या लिखेंगे? 144. ठीक है, ठीक है ना. तो ये सबको समझ में आ रहा काउंटिंग करना? पुण्या हाँ सर आ गया. काउंट कर लोगे तुम अब? हाँ. तो 3 में काउंट करके बताओ. Count the entire dots in base 3. Sir, इसमें जो आपने नीचे लिखा है वैसे तो समझ आ गया 144 कैसे आएगा, बट ये नीचे क्या लिखा है 200 बेस 5 के नीचे 144, इससे कैसे कंक्लूड किया हमने? जैसे मैंने बोला था ना कि दो बार 25 है तो 200 तो होगा. हाँ 200 इसके, लेकिन नंबर जो था हमारे पास 49 था ना डॉट्स. हाँ. तो दो बार 25 से एक कम है. हाँ. तो इससे अगर हम एक कम करेंगे 5 के बेस में तो हम क्या लिखेंगे? ये क्या है, 2 times 5 into 5 है ना? ये 200 का मतलब क्या हुआ, 2 times 5 into 5. हाँ. तो एक भी कम करेंगे तो 1 time 5 into 5 तो रह जाएगा. फिर
एक बार फोर टाइम फाइव रहेगा और एक बार और फोर टाइम मतलब फोर रहेगा, तो इससे अगर एक कम करोगे तो ये बनेगा। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा 144 वाला, या इस तरीके समझ में आया था? हाँ एक बार हाँ वैसे बता दो। इस तरीके से देख लो ना, ये 25 तुम्हारा है 100 कंप्लीट। हाँ फिर एक बार और 5 होगा तो 10 होगा। हाँ एक बार और 5 होगा तो 10 होगा। हाँ. एक बार और 5 होगा तो 10 होगा। हाँ ऐसे समझ आ गया था। तो फिर अब कैसे नहीं समझ में आया? वो ये वाला 200 से वापस से पीछे जाएंगे तो 144 होगा, ये वाला। तो मुझे जैसे ये है 200 फ्रॉम बेस 5 है, तो इसका मतलब होता है 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5, ठीक है। अच्छा हमको लिखना है 5 टाइम 5 के ही बेस में, तो अगर इसमें से हम एक भी कम करेंगे है ना, तो मेरा 100 तो रह ही जाएगा, मतलब दो बार में से एक बार तो सेफ रहेगा ना, एक कम करोगे तो 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स तो रहेगा ना एज इट इज, है ना। देखो जैसे इसको और हम एक्सपेंड कर देते हैं, चलो 1 टाइम 4 सेट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ 1 टाइम 5 into 5 एंड 1 टाइम 5 into 5 इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब 1 घटाना है तो 1 सबस्ट्रैक्ट करना है, तो इसको तो एज इट इज रहने देंगे 1 टाइम 5 into 5 को। इसमें क्या है कि ये 5 into 5 है ना, 5 into 5 है, तो ये बोलता है 5 बार 5 पूरा हुआ, ठीक है 5 into, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना 4 टाइम 5 पूरा हुआ है ना, एंड 1 टाइम 5 और पूरा हुआ, क्योंकि हमें एक सब्सट्रैक्ट करना है ना। तो ये जो 1 टाइम 5 पूरा हुआ इसी में से एक घटाएगा ना, तो मेरे पास ये जो बचेगा 1 टाइम 5 into 5 बचेगा एंड ये एड है, ठीक है 4 टाइम 5 into 5 बचेगा है ना, एंड ये जो 5 है ये घट के 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, अच्छा ओके। तो इसको हम लिखते हैं 100, इसको लिखते हैं 40 और इसको लिखते हैं 4 ओके। तो ये तीनों ऐड करके क्या बन जाएगा 144। अच्छा ठीक है ठीक है। चलो अब 3 के बेस वाला बताओ, पुण्य आप बताओ कितना हुआ। तो 161 है क्या? 3 के बेस में 161 बता रही हो तुम, 6 कैसे आ सकता है उसमें तो दो भाई ना, 3 के बेस में 6 कैसे यूज करोगी तुम? सर इसका आंसर मतलब 7 पे 1000 हो जाएगा ना, एक मतलब कौन कौन बोल रहे हैं? अक्षी तुम बोल रहे हो क्या? हाँ मतलब मैंने किया बट 1201 आ रहा था मेरा, मतलब मुझे लग रहा है गलत है। क्या मेरा कैसे आ रहा है? 1203 आ रहा है, 120 नहीं 120 45 पे 1200 आ रहा है ना। अरे एक मिनट दोबारा चेक कर, मतलब मुझे से लगता है कि काउंटिंग में मुझे कंफ्यूजन ना होगी स्क्रीन से। तुम क्या एक एक करके गिनी रही हो क्या? नहीं नहीं मैंने मतलब एक क्रॉस चेक करने के लिए नहीं, जैसे मैं बोलूं कि जैसे हम 3 का बेस है ना, तो हमें टोटल 49 पॉइंट्स गिनने हैं, ठीक है यही इतना ही गिनना है ना हमारे पास। हाँ तो जैसे अगर 3 होता तो हम उसको 10 बोलते हैं, 9 होगा तो 100 ये तो हो गया था कि 27 तक 1000 बोलेंगे। और फिर इसका डबल ले लेंगे, जैसे एक बार और रुको, इसको 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 थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। डबल ना बोलके 36 पे नहीं जा सकते, 36 और 45 पे नहीं, रुको ना एक मिनट रुको। 3 को 10 बोलेंगे, 6 को 20 बोलेंगे, 9 को 100 बोलेंगे, ठीक है फिर 18 को 200 बोलेंगे, फिर 27 को 1000 बोलेंगे, ठीक है फिर 27 के बाद सीधा इसका डबल कर लो, 27 के बाद डबल क्या होते हैं 54,
तो अब 54 तो है नहीं, हमारा 49 तक ही है, 49 तक है। तो इसमें हम पहले 9 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, अभी अभी तक कितना पहुंचे, 1100 हो जाएगा ना। हाँ मतलब अभी हुआ 36 हुआ ना, पहले यहाँ तक कर लेते हैं। फिर हम 9 और ऐड कर लेंगे तो मेरा 45 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम 3 और ऐड करेंगे, क्योंकि 3 से बड़ा नंबर नहीं ऐड कर सकते ना, ये सब इसी मल्टीपल में चलेगा, तो 3 और ऐड कर लेंगे तो हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, और 1 और ऐड कर लेंगे तो 49 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 100 और देगा, ये भी 100 और देगा, ये 10 देगा और ये 1 देगा, तो तुम्हारा इस दोनों को मिला के बना 1200। हाँ। फिर इसको इसको मिला के मिला 1210 1211 होगा, और इसको इसको मिला के 1211। ठीक है, ये अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी करता हूँ, बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, व्हाट यू नो इज कि हम जितने भी वन वाला जो लिखते हैं, वन पे जीरो जो लिखते हैं, वो बेस के पावर्स होते हैं, तो कितने डिजिट का नंबर होगा पहले वहां तक पहुंच जाते हैं। जैसे हमें 49 को लिखना था ना, 49 हमारा डेसिमल में था और हमें नंबर लिखना था 3 के बेस में। ठीक है, सब लोग हो भागना शुरू कर दिए। ठीक है, कौन गया, एक कौन गया, पुण्य है, पुण्य नहीं है, पुण्य है, अरे हूँ भाई, मैं क्या, मुझे लगता है पहले तुम ही भागोगे और डरती हो तुम, आप रुपया को तो चलो ठीक है, उसका जाना ठीक है, तो क्योंकि ये बिल्कुल उसके लिए काम का नहीं है। हाँ, वो चला गया होगा, विनायक चला गया होगा। तो अभी क्या है कि पहले तो हम ये देखते हैं कि 3 का मैक्सिमम पावर इसमें क्या है, तो 3 का पावर 1, क्योंकि हम 1110 लिखते हैं ना, वो हमेशा 3 के पावर 1 पे 10 लिखते हैं, 3 के पावर 2 पे 100 लिखते हैं, और 3 पे 100, हाँ 3 पे पावर 3 पे 1000 लिखते हैं, 3 पे पावर 4 पे 1400 लिखते हैं, ऐसे चलता है हमारा काउंटिंग। ठीक है, ये समझ में आया ये क्यों हुआ ऐसा सबको? यस सर। हाँ, तो 3 का मैक्सिमम पावर जो इसमें आएगा वो कितना होगा, जैसे 3 पे पावर 1 होता है, 3 पे पावर होता है 9, ये होता है 27, ये होता है तुम्हारा 81, तो 27 जो है वो इसके अंदर है, और 27 कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, एक बार। तो बेसिकली 1000 ये 1 और 3 और स्पेस जो है मेरा खाली हो गया, 1 हो गया। अगर 2 बार आया होता तो 2 लिख के 3 स्पेस खाली कर देते। अब अगर हम 49 में से 27 हटा दें, 49 में से 27 हटा दें तो कितना बचेगा, 22 में 3 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 9 कितनी बार आएगा, 9 दो बार आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 200, सॉरी मतलब 00 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख दिया खाली, है ना। तो अब 9 2 टाइम्स लेने का मतलब 18 हमारा वो हो जाएगा, कवर हो जाएगा, बचा कितना तुम्हारे पास, 4 में 3 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1। तो और एक ही बार आएगा 3, तो इसको 1 लिख दिया हमने, 3 में से 4 में से घटा दिया, अब ये 1 जो है वो यूनिट डिजिट का काम कर लेगा, तो 1211 ऐसे हो जाएगा। ये वाला ज्यादा इजी है। हां ये इजी है, पर तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो ना तो तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तुमको दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही बात करना शुरू कर दोगी, जैसे डेसिमल में नहीं प्रॉब्लम होता है ना, वैसे उसमें भी नहीं होगा। अब मान लो 49 को ही हम 2 के बेस में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, व्हिच इज वो बाइनरी सिस्टम जो कि कंप्यूटर्स यूज करता है। तो बचपन में तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, बचपन में पढ़ा होगा ऐसे कि 49 को 2 से डिवाइड करते चले, ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे, 24 अगर रिमाइंडर है तो यहाँ लिखते चलेंगे, ठीक है, और कट रहा है तो 0 करते चलेंगे, यही बोल दिखते हो ना तुम लोग, हाँ।
ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इधर से शुरू करते हैं ना, 11001, ये आप बचपन में करते थे है ना, हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। हम फिर वही बात करेंगे कि हमारे पास दो के लिए अवेलेबल डिजिट कौन सा है, सिर्फ जीरो और वन। तो हम टू पे पावर वन पे क्या लिखते हैं, 10, टू पे पावर टू पे क्या लिखते हैं, 100, टू पे पावर थ्री पे क्या लिखते हैं, 1000, टू पे पावर फोर पे क्या लिखते हैं, 10,000, हाँ ऐसा 4 times 0, 2 to power 5 पे क्या लिखते हैं, 5 times 0, ये वाला गड़बड़ हो गया ना, यहाँ से शुरू होता है ना, यहाँ ऐसा होता है, इसको भी चेक कर लेंगे, 5 times 0, ठीक है। तो पहले ये बताओ कि 49 में 2 का मैक्सिमम पावर कौन सा यूज होगा, 5, और इसमें ये भी नहीं देखना है कि कितनी बार आएगा, वो एक ही बार आएगा ना, इसमें तो डबल तो लिख ही नहीं सकते ना, डबल तो हमारा डिजिट ही नहीं हो सकता, तो 2 का पावर 5, मैक्सिमम पावर जो 2 का इन्वॉल्व हो सकता है, 2 का पावर 5 विच इज 32। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1, और उसके बाद हम कितनी जगह छोड़ देंगे, 5, फिर 32 सब्सट्रैक्ट कराने के बाद बचता क्या है मेरे पास, 17 में 2 का मैक्सिमम पावर क्या आएगा, 4, तो 16 जो है इसमें से घटा देंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, और इसके बाद सर, ये 6 प्लेसेस क्यों बना है, हमारा 5 डिजिट नंबर नहीं आया, नहीं जैसे 32 है ना, 32 जो है हम कैसे लिखते हैं, 2 पे पावर 5 लिखते हैं ना, और 1 पे 50 लिखते हैं, अच्छा ओ नंबर ऑफ जीरो से होता है, ठीक है ठीक है, ये बताया ना, ये ऊपर से जैसे यहाँ डिवाइड कर रहे थे तो यही लिखना था ना रिमाइंडर 1, तो ये था एग्जैक्ट, तो अच्छा ये हो गया, अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 1, तो अब 1 में 2 का कौन सा पावर यूज होगा, एक भी नहीं, 2 पे पावर 0 है ना, जो ये 1 बचा है, अब 2 का कोई पावर नहीं लेगा ना, तो ये सीधा 1 ही बचा है, तो इन सब प्लेसेस की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया बाइनरी, लास्ट में 1 हो जाएगा, लास्ट में 1 ये क्या हुआ, क्योंकि ये 1 ही बचा ना, 1 बचा, जैसे 49 में से 32 फिर 17 में से 16 घटाने के बाद मेरे पास सिर्फ 1 बचा, तो द ओनली वे वी राइट 1 इज यूनिट प्लेस पे, ठीक है ओके है ना। तो अब आप किसी भी बेस में बहुत आराम से इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, तो जैसे अब एक और कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं, 49 ही है और मैं चाहता हूं 4 के बेस में लिखूं, ठीक है, तो 4 के बेस में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम अब ये ऐसे मार्क्स नहीं बनाएंगे, अब मन बताओ 4 के बेस में चेक करते हैं, सबसे पहले 4 का मैक्सिमम पावर इसमें जो आ सकता हो कितना होगा, 2 है ना, 16 होगा ना, 16, और 16 कितनी बार आएगा, 2 बार 3 बार, कौन 2 बार बोल रहा है, 348 ना, 3 बार, हाँ 48, हाँ, तो पहले तो 3 बार आया और ये 3 लिख के 2 प्लेसेस छोड़ देंगे, ठीक है, अब बचा कितना, 1 तो यही लिखेगा, तो 0 1 3 0, so now you can write any number in any base as like this, और अगर आपको रिवर्स जाना है डेसिमल पे तो आपको पता है कि हर डिजिट की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो अगर आपको रिवर्स जाना है तो इसकी प्लेस वैल्यू जो होगी वो 1 into 4 to the power 0 होगी, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 0 into 4 to the power 1 होगी, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 3 into 4 to the power 2 होगी, है ना, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, 49, ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोग को, अब तुम किसी बेस से भी किसी बेस में मूव कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो, हाँ सर, अच्छा, ऐसा नहीं है कि बेस सिर्फ 10 तक होता है,
I can have a base of 12 also. अच्छा तो बेस अगर बेस ऑफ 12 रखना है तो आपके पास डिजिट भी 12 होने चाहिए. तो हम क्या लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब 10 नहीं लिखेंगे हम क्योंकि हमें ना अगले नंबर के लिए डिजिट चाहिए तो हम इसको ए लिख देते हैं. फिर सिंबल हाँ फिर बी लिख देते हैं. तो ये हो गया हमारे पास ऑल द 12 डिजिट्स. ठीक है तो ए का मतलब क्या हुआ यहाँ पे मतलब 9 के बाद 10 वाला 9 के बाद 10 उसको 10 बोल लो. ठीक है ऐसे 10 बोल लो क्योंकि 12 का बेस बोल रहा है. तो 11 हो रहा है ना ए तो हाँ नहीं नहीं ये नंबर 10 है. ये 10 है डिजिट्स 11th है. हाँ 11th डिजिट है. ये 10 है वैल्यू तो 10 ही है ना. इसकी वैल्यू 10 है इसकी वैल्यू 11 है. ठीक है लेकिन इस बेस में अगर हम 10 बोलते हैं दैट इज नॉट 10. इस बेस में 10 बोलते हैं ये 10 नहीं है. ये कितना है ये एक बार 12 कंप्लीट हुआ. हाँ ये एक बार 12 कंप्लीट हुआ तो इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो 12 लिखेंगे. ठीक है ये बात समझ में आ रही. वो तो बी के बाद आएगा ना 10. मतलब बी काउंटिंग करने में बी के बाद 10 लिखेंगे. हाँ 10 तब आएगा ना. ए तो 10 नहीं है वो तो 10 ही है ना. तो अब हम सेम 49 को 12 के बेस में लिखना चाहते हैं है ना. तो हम फिर से देखेंगे 12 का मैक्सिमम पावर जो यहाँ आ सकता है वो कौन सा होगा. एक एक One. और वो कितनी बार आएगा. चार बार आएगा. 4 और यहाँ पे एक जगह छूट गई 48 और 48 कम करेंगे तो कितना 1 तो ये 12 का बेस. ठीक है ठीक है. तो अब एक चीज और तो मैं रियलाइज हो गया होगा अब तक कि जो फेस पे दिखता है जैसे सेम नंबर अगर हम दो डिफरेंट बेस पे लिख रहे हैं है ना. तो ये नंबर तो सेम है बट जो फेस दिखता है वो डेसिमल सेंस में बड़ा होगा छोटे बेस का. हाँ, डेसिमल सेट में छोटे बेस पे ज्यादा होगा. ठीक है ये बात समझ में आ गई. तो जितना छोटा बेस लोगे उतना बड़ा नंबर क्रिएट होगा. ठीक है ठीक है. तो अब ये बात भी समझ गए. अब कोई भी कितना भी बड़ा बेस ले सकते हो तुम 16 का 17 का है ना. जो मन करे सो बेस ले लो. तो सर उसमें ABCD चलता रहता है. हाँ उसमें ABCD चलता रहेगा. जेड के बाद क्या आता है. अब उसका तुम्हारी इच्छा है जो सिंबल लेना है ले लो. अल्फा बीटा ले लो कुछ भी ले सकते ना मतलब. हाँ, बट पहले डिफाइन कर देना कि हमने ये लिया. हाँ ठीक है वो तो क्यूरियोसिटी है. ठीक है तो अब हो गया हमारा आगे और पीछे मतलब कि बेस में चेंज करना और बेस से वापस डेसिमल में आना. ये दोनों चीजें समझ गए तुम लोग. तो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि 4 2 1 3 5 5 नहीं रखते 1 3 1 ये 5 का बेस है तो डेसिमल में कितना होगा. अगर एक बार में सीधा सीधा लिखना है तो हम कैसे बताएंगे बताओ. इस पोजीशन में इस पोजीशन की वैल्यू कितनी होगी. 4 into 5 to the power 4. ठीक है 5 to the power 4 कितना होता है. 5 to the power 4 कितना होता है. 625. उसको 4 गुना करेंगे तो 2500 हो जाएगा. 25,000 हो जाएगा ना. नहीं 2500 ही होगा. ठीक है उसके बाद इस जगह पे क्या होगा 2 into 5 to the power 125 3 तो इसका 125 का डबल करेंगे तो क्या होगा 250. इसका क्या बनेगा 1 into 25 तो ये 25. इसका क्या होगा 3 into 5
विच इज 15 और इसका क्या होगा 1 तो आप इन सबको जोड़ के 2791 लिख सकते हो 2791 ठीक है और यहाँ पे 10 का मिस तो अब आगे और पीछे है ना मतलब बेस डिफरेंट बेसिस के चेंजेस तो मैं आराम से करने आ गया अब आते हैं हम लोग अब ये तुम लोग कर लोगे ना इसको थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस कर लेना कई सारे नंबर लेके है ना मूव करने के लिए अब बात आती है बेस में ही ऐड करने का जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि डेसिमल में हम ऐड करते हैं जैसे 28 प्लस 35 इसको ऐड करते हैं तो क्या करते हो तुम लोग बताओ 5 और 8 को करते हैं फिर कैरी ओवर करते हैं 5 और 8 को करोगे तो ये 13 आएगा तो हम उसका 3 ही लिखते हैं और बोलते हैं 1 जो है वो क्या है कैरी ओवर है बट ध्यान रहे कि ये 1 नहीं है ये बेसिकली 10 कैरी ओवर है सेट है ना 1 टाइम सेट है पूरा और ये जो हम ऐड करते हैं 2 प्लस 3 ये बेसिकली 2 सेट्स एंड 3 सेट्स टोटल 5 सेट हुआ है ना और 5 सेट जो है 5 सेट में 1 सेट हमारे पास और इधर का कैरी ओवर था तो टोटल हो गया 6 सेट ये हमारी काउंट एडिशन होती है ठीक है ये बात समझ में आ गई ठीक है तो आप सिमिलर वे में आप दूसरे बेस में भी ऐड कर सकते हो जैसे अगर मैं तुमसे बोला 27 और 35 इसको 8 के बेस में ऐड करने के लिए ठीक है इसको ऐड कर तो अब हम क्या बोलेंगे पहले यूनिट प्लेस का ऐड करेंगे 7 प्लस 5 कितना होता है 12 होता है ना 12 में 8 का बेस एक बार कंप्लीट हो रहा है हां तो बचा कितना 4 बचा तो यहाँ पे सिर्फ 4 लिखेंगे और 1 टाइम 8 जो है एक सेट जो है वो कैरी ओवर हो गया ठीक है तो ये बार बार 1 टाइम 8 लिखने की जरूरत नहीं है आप इसको फिर से 1 कैरी ओवर बोल सकते हो हमारी इच्छा और फिर ये 2 प्लस 3 5 5 प्लस 1 6 ये सीधा आप एडिशन कर सकते हो ठीक है तो अब इससे बड़े नंबर छोटे नंबर कोई भी ऐड कर सकते हो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं 25 7 7 2 6 इसको 8 के बेस में ऐड करो तो फिर से आप ऐड करना शुरू करोगे 7 प्लस 6 कितना होता है 13 होता है 5 13 हां तो 13 का 5 रह जाएगा और आपके पास एक कैरी ओवर हो गया ठीक है आप इसको एक ही बोल दो कोई दिक्कत नहीं है बेसिकली ये है 1 टाइम 8 लेकिन ये भी तो 5 टाइम 8 ये भी तो 2 टाइम 8 है तो डजंट मैटर तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 हो गया 8 का हम फिर से 0 कर लेंगे और एक साइड मेरा फिर से बाहर हो जाएगा सर एक मिनट ये जो 8 टाइम 8 हुआ ये इसको हम 0 लेते हैं हो गया ना हां तो 100 हो गया ना हां तो 0 आ गया हाँ, तो और 1 टाइम 8 टाइम 8 जो है हमने कैरी ओवर ले लिया और फिर ये 1 टाइम 8 टाइम 8 प्लस 2 टाइम 8 टाइम 8 प्लस 7 टाइम 8 टाइम 8 तीनों मिला के हो गया 10 टाइम 8 टाइम 8 तो फिर से यहाँ पे 2 रखेंगे और 1 टाइम 8 टाइम 8 टाइम 8 जो है फिर से कैरी ओवर हो जाएगा तो ये 1 यहाँ आ जाएगा निकल गए एकदम स्टार्ट करो फिर से 7 प्लस 6 ठीक है मैंने किया 13 हम नहीं लिख सकते 8 के बेस में तो हम 13 में से जितनी बार 8 होता है उसको बाहर निकाल लिया तो बचा 5 और 1 टाइम 8 निकला तो उसको मैंने कैरी ओवर बना लिया ठीक है अब ये 1 टाइम 8 जो है ये 5 टाइम 8 प्लस 2 टाइम 8 में ऐड होके 8 टाइम 8 हो गया है ना तो 8 टाइम 8 के लिए तो डिजिट होता नहीं है 8 तो है नहीं मेरे पास तो हम उसको 100 बना लेते हैं तो 1 टाइम 8 टाइम 8 यहाँ फिर से मेरा कैरी हो गया और ये 0 लिख दिया एक मिनट जो 1 टाइम 1 टाइम कैरी ओवर 10 10 10 अच्छा
हम 8 नहीं लिख सकते ना, इसको 100 लिखते हैं। हाँ तो ये 0 हो गया ये वाला, और 1 हो गया कैरी ओवर यहाँ। तो 1 क्यों कैरी ओवर है? क्योंकि क्योंकि ये पोजीशन जो है वो 8x8 वाला पोजीशन है। ओके ओके, मतलब हो रहा है वो एक्चुअली हो रहा है 100 वाला ही। हाँ 100 वाला हो रहा है, और यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो 2 है ये 2 8x8 वाला डिजिट है। क्योंकि अगर हम 257 को लिखेंगे तो ये 7 × 8⁰ होता है, ये 5 × 8⁰ होता है, ये वाला जो 2 होता है ये 8⁰ होता है ना। तो ये 8x8 वाला डिजिट ये 2 है, तो ये जो 1 मेरा निकल के आया है वो इसके साथ ऐड होगा। क्या 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 फिर से सर, फिर से। अरे यहाँ ये तीनों ऐड करके 8x8 बन रहा है ना, 1x8x8। इसी को लिखते है ना 100। अच्छा, और वो रिमाइंडर 0 रह गया था इसलिए वो 0। हाँ, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा, मतलब वो थर्ड डिवीजन है राइट से, उसको कहते हो 1x8x8। हाँ, मतलब वो डबल पावर वाला पोजिशन है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। जैसे किसी भी नंबर को लिखते हो ना, तो जैसे मान लो कि ऐसा है 2, 1, 5, 3 है, ये सिंगल 0 पावर है, ये 1 पावर है, ये 2 पावर है, ये 3 पावर है। ठीक है, ठीक है सर, वहां तक आ गया। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये 1 आ गया। अब 1 + 2 + 7 कितना होता है? वही 10 होता है, तो 10 बार 10 8। ये ऐसा है ना, हाँ 10 times 8 times 8। लेकिन 10 तो होता नहीं है ना डिजिट हमारे पास। हाँ तो हम इसमें से 8 हटा लेते हैं, 8x8x8 हटा लेते हैं, तो बचता है मेरे पास 2x8x8। तो दैट 2 इज हियर। अच्छा, और एक वो फिर बाहर हो गया जो 4 पावर वाला, ये वाला जो है। हाँ, ये वाला जो है ये बाहर हो गया, 3 पावर वाला। 3 पावर वाला, अच्छा ठीक है। फिर से सर, हां फिर से ये लास्ट वाला कैसे बताओ, फिर से बताओ, फिर अच्छे से आएगा। अरे मैं स्वस्तिका, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जैसे तुम डेसिमल में ऐड करती हो। हां न्यू एग्जांपल से बता रहा हूं, न्यू एग्जांपल से बोलो, नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलो, हम ऐड कर लेंगे। 5, 6, 7 किस बेस पे? 80 है ना, 8 बेस पे। ठीक है, दूसरा नंबर नीचे 2, 5, 6 ये किस बेस पे? 8 पे, मतलब सेम बेस में ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा गलती मत कर लेना कि दो बेस में ऐड करना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब तुम जिन लोगों को अभी इसकी क्लैरिटी नहीं आ रही है वो सिर्फ वो काम करें जो डेसिमल में हम करते हैं। बस डेसिमल का 10 यहाँ पे 8 है, 7 + 6 कितना होता है? 13। बेस मेरा कितना है? 8। एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पे? 5 लिखोगे, 1 कैरी होगा। हाँ। अब ये तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 12 में से फिर से 8 निकाल लेंगे, 4 बचेगा कितना? 4 और 1 फिर से कैरी होगा। हाँ। और ये कितना हो जाएगा? 5, 2, 7 और 1, 8। 10 हो जाएगा। तो 8 में 8 तो 8 का तो हम 0 ही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 10 का 0 लिखते हैं है ना डेसिमल में, और 1 यहाँ बगल। हाँ, मतलब 8 times 8 जो ये वाला आया ऊपर वाला, वो 1, 2 वाला, इसी का एक्सप्लेनेशन था वो, कि जब भी हम जब वो लेते हैं, तुमने बचपन से आज तक तुम्हें किसी ने बताया था कि जब हम डेसिमल में ऐड करते हैं तो ये जो 9 + 2 ये ऐड करके 1 लिखते हो तुम, और तुम कैरी ओवर क्या बोलते थे हमेशा? 1 बोलते थे, बट इट वॉज नेवर 1।
इट वाज 10 वन एक सेट है ना तो जब जब तुम इसको फिर ऐड करते थे 7 + 5 तो ये 7 नहीं ऐड करते थे ये 7 × 10 + 5 × 10 + 1 × 10 ऐड करते थे तो ये तीनों ऐड करके क्या बनता था ये 13 × 10 बनता है तो बट हम 13 के लिए तो डिजिट है नहीं तो हम इसमें से 10 × 10 निकाल देते हैं तो 30 बच जाता जो थ्री टाइम टेन जो बचता है वो हम 3 यहाँ लिखते हैं बात समझ में आ रही है अब जो ये हमने 1 × 10 × 10 निकाला है वो इसके साथ ऐड होगा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है इस 2 की वैल्यू कितनी है बताओ इस 2 की वैल्यू है 2 × 10 और इस 2 की भी वैल्यू कितनी है 2 × 10 × 10 और आपने एक कैरी ओवर यहाँ से ले रखा है हाँ, 1 × 10 × 10 तो ये तीनों मिला के 5 हो जाता है तो इसलिए यहाँ 5 बट आप ऐसे थोड़ा ना करते हो जैसे मैं बता रहा हूँ तुम तो सीधा सीधा ही करते हो ना कि आप सीधा जो भी कैरी ओवर है उसको जोड़ जोड़ के लिखते चले जाते हो तुम क्या इसको जोड़े 12 यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया फिर तीनों को जोड़े 13 फिर यहाँ 1 रिमाइंडर आया फिर तीनों को जोड़े 10 ऐसा करते हो ना तुम तो यही चीज यहाँ पे भी करना है बस आपके डेसिम जो बेस है वो चेंज हो जाता है ये बात समझ में आ गई ऐड कर लोगे आप कोई भी एक और देना वैसे दोनों ही बेस 7 है छोटे बेस पे लीजिए ना भैया नहीं 7 दो तीन अच्छा वो भी लेंगे पहले 7 वाले पे करो कर दे दो सबको सारे लोग सबको आ गया क्या हाँ सर मुझे जोड़ना ये 4 + 4 = 8 हो गया 8 का तुमने 1 लिखा और 1 कैरी ओवर हो गया फिर 5 + 2 = 7 + 1 तो 1 यहाँ आएगा और 1 कैरी ओवर हो जाएगा तो 6 × 8 + 1 9 हो जाएगा तो 9 का यहाँ 2 लिखोगे और 1 यहाँ आ जाएगा ठीक है 1 × 1 = 1 हो गया तुम लोग का ठीक है तो अब बेसिकली कहीं से भी कुछ भी ऐड कर सकते हो बाइनरी में पहले बहुत पूछते थे पहले क्वेश्चन कि 1101 और 1001 ये ऐड करके कितना बनेगा मतलब 2 के बेस पे बाइनरी मतलब 2 का बेस ना हां बाइनरी मतलब 2 का बेस अच्छा तो ये तो 0 हो गया $10,000 हो जाएगा शायद यहां क्या लिखा था 0110 यहां पे 1 + 1 = 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
ये हो गया ठीक है। तो अब तुम लोग किसी को भी ऐड कर लोगे? हाँ कर लेंगे। ठीक है अब तुम्हें एक एक सिंपल सी वो बताते हैं, एक क्वेश्चन है कैट का ठीक है, मतलब इसको तुम ऐसे ही सॉल्व करोगे। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अ मैनेजर ऑलवेज रिपोर्ट्स
रिपोर्ट्स इन एन बेस, एन बेस में ही रिपोर्ट करता है जो कि 10 नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन क्या है? मैनेजर ऑलवेज रिपोर्ट इन एन बेस, एक दिन बोलता है वो इन वन रिपोर्ट, ही सेड कि उसके पास ही हैज, ही सेड he has he has 34 male employees, 24 male employees and 32 female employees. Out of total 100 employees, बस समझ में आ गई तुम लोगों को, है ना? कि वो मैनेजर ऐसे रिपोर्ट करता है कि एन बेस में है, एक बार उसने रिपोर्ट किया कि ही हैज 24, तो नहीं बोलना चाहिए मुझे आइडियली, ठीक है, इट वाज अ मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो मैं बोलूंगा ही हैड 24 मेल एम्प्लॉयज एंड 32 फीमेल एम्प्लॉयज आउट ऑफ टोटल 100 एम्प्लॉयज, ठीक है, 100 भी नहीं बोलना चाहिए था हमें, ठीक है, वी शुड नॉट। तो इसको इसको पढ़ेंगे कैसे, कि द मैनेजर रिपोर्ट्स एंड सेज that he has 24 male employees and 34 female employees out of 100 employees. So the question is ki wo in what base he reports? 6 jo yaar ha 6 hi hoga are phir ruk jao ha so everybody tell me isko kaise karenge 24 और 32 को मिला के 100 होना होगा, कौन से बस में होगा? हाँ, फिर तुमने वही गलती की जो मैं कर रहा हूँ। हाँ, 24 और 32। 24 तो बोलो ही मत, ठीक है ना? जब दूसरे बेस में है तो ऑलवेज टेल 24 एंड 32, ठीक है? तो बेसिकली इसका जो अल्जेब्रिक वे होगा वो ऐसे होगा कि अगर हम एन बेस मान लें तो 24 का मतलब क्या होता है, 24 ऑफ एन, हाँ, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 into n plus 4 लिखेंगे, हाँ, करेक्ट, हाँ। और 32 को कैसे लिखेंगे, 3 into n plus 2 और 100 को कैसे लिखेंगे, n square, ठीक है। तो ये बोलना चाहते हैं एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2n + 4 + 3n + 2, तो ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया एन स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ओके, इक्वेशन बना लो, इसमें n की वैल्यू आएगी 6 या -1, तो -1 इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू, तो n क्या आ जाएगा 6। ये हुआ तुम्हारा अलजेब्रा का तरीका, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा अलजेब्रा का तरीका, बट यू नेवर हैड टू यूज दिस तरीका क्योंकि आप लोग मैथमेटिशियन नहीं हो, आप लोगों को मैथमेटिक्स ना जानना है, ना पढ़ना है, ना समझना है, है ना? वो इंजीनियर लोगों का काम है और वो मैथमेटिशियन लोगों का काम, हम लोग मैनेजर बनने वाले हैं, तो हमें तो बस ऐसे ही पता कर लेना है क्या है, तो हमें जोड़ने आता है, व्हाट वी नो कि हम 24 को जोड़े हैं 32 से, जीरो जीरो आया एन बेस में और ये आया है, 4 + 2 होता है 6,
और सिक्स को अगर ये जीरो लिखना चाहते हो, है ना, व्हेन सिक्स हैज रिटन एज जीरो तो एन जीरो, तो ओनली पॉसिबल एन सिक्स इफ एन इज इक्वल टू सिक्स. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अब बेसिकली इतनी नॉलेज जो तुम्हें दी गई है ना, ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है. लेकिन मैं तुम लोगों को मल्टीप्लाई करना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है. और एक चीज और बता रहा हूँ, सुनो. जैसे एक डेसिमल नंबर है 2 × 7 × 7 × 3 × 4 और इंटू फोर मत करो इंटू नाइन कर, और इस ये 10 के बेस में कोई नंबर होता तो इसको अगर हम 7 के बेस में लिखें तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा. मतलब लास्ट पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ. हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये मल्टीप्लाई करके हमको एक नंबर मिलेगा. हाँ, और उस नंबर को अगर हम 7 के बेस में लिखेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? अच्छा, वो पूछ लो. अब चुपचाप सोच के सब लोग एक मिनट के अंदर सोच के आंसर अपने पास रखेगा या फिर प्राइवेटली मुझे मैसेज करेगा, नॉट इन द ग्रुप. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, मिस हो गया. लिखा हुआ वही क्वेश्चन है कि ये एक नंबर है 10 बेस में, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी बने, है ना, और ये एक नंबर है जो इसी नंबर को अगर हम 7 के बेस में लिखे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? मैंने ड्रॉ कर दिया क्वेश्चन, लो तुम. किसी ने जवाब दिया? अरे तुम लोगों से कोई फिर बोलना नहीं है, प्राइवेटली जवाब देना है. नो नो सौरभ नो. अभिनव और कौन है अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन है? सोनम तुम बताओ, प्राइवेटली मैसेज करना मुझे. आपसी, पुण्या, अभिनव, सृष्टि, प्रांजल है कि नहीं? प्रांजल, प्रांजल भी है. प्रांजल बताओ. हाँ, डॉमसन तुम्हारा भी ठीक है. आक्सी गलत, प्रांजल गलत, सोनम शायद नहीं. हाँ वही होगा. बस हम देख रहे हैं कि कोई हमको 8-9 ऐसा कोई डिजिट दे देता ना तो मेरा मतलब दिल खुश हो जाता. तो जब आपको डांटना था ना, हाँ कल से तुम लोग मुझे सुनाया जा रहे हो ना, तो आज मैं डांटता था. किसी ने 8, कोई 8 बोलेगा? हाँ सौरभ, ओके ये सही है. कोई 8 बोलेगा? 9 बोलेगा कोई? नहीं. तो ऐसी गलती, ऐसी गलती कभी मत करना कि यही है ना आंसर. हाँ, यूनिट डिजिट में 7 के बेस में नंबर है तो यूनिट डिजिट 7 या 8 या 9 बोल देना, ठीक है. अब देखो एक बात समझो, जैसे इसमें 2 बार 7 मल्टीप्लाई हुआ है ना, सृष्टि ने आई होप निकाल ही दिया कि कितना होगा. नहीं सृष्टि, नंबर ही निकाल लिया सृष्टि ने. तो ये अगर एक भी बार 7 मल्टीप्लाई हो, एक बार 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यूनिट डिजिट पे 7 होगा. क्यों? क्योंकि जब भी हम
किसी भी टाइम सेवन बोलेंगे, जैसे बोलते हैं टू टाइम सेवन कंप्लीट हुआ तो टू जीरो बोलते हैं, है ना। अगर हम बोलते हैं थ्री टाइम सेवन कंप्लीट हुआ तो सेवन के बेस में इसको थ्री जीरो बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो इफ एनी टाइम सेवन इज बीइंग कंप्लीटेड तो इट इज ऑलवेज अ जीरो इन द लास्ट। ये बात समझ में आ रही सबको? जितने लोग भी सिक्स बोल रहे थे, प्रांजल और आक्षी, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? आक्षी तुम बताओ। मेरे को नहीं आया, सॉरी सो मच। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर हम सेवन को क्या लिखते हैं, सेवन को सेवन के बेस में क्या लिखते हैं? वन जीरो। वन जीरो, क्योंकि एक बार सेवन कंप्लीट हुआ, ठीक है। हाँ। दो बार सेवन कंप्लीट होता है यानी कि फोर्टीन, इसको क्या लिखते हैं सेवन के बेस में? टू जीरो। टू जीरो, तो अगर सेवन कंप्लीट हो रहा है तो यूनिट डिजिट तो जीरो ही होगा ना। यूनिट डिजिट में एक्स्ट्रा कब होता है? जब 14, जैसे 14 को तुमने लिखा 20, 15 अगर इससे एक ज्यादा होगा तो तुम लिखोगे 21, लिखोगे ना? हाँ जी। इससे एक और ज्यादा होगा तो तुम लिखोगे 22। हाँ। इससे एक और ज्यादा होगा तो तुम लिखोगे 23। ठीक है, ये चल रहा है ना? हाँ जी। एक और ज्यादा होगा तो तुम लिखोगे 24, एक और ज्यादा होगा तो तुम लिखोगे 25, और एक और ज्यादा होगा 26, और एक बार जब जैसे ही सेवन का मल्टीपल फिर से आया तो आप बोलते हो फिर से ये 30 हो जाएगा। हाँ। तो जब भी सेवन का मल्टीपल नंबर है ना, तो वो एक जीरो तो आएगा ही। जैसे हम 10 के बेस में 10 का मल्टीपल कोई भी नंबर होता है तो लास्ट में जीरो होता है ना। अच्छी समझ में आ रहा है तुम्हें क्या कह रहा हूँ? हाँ जी सर। ओके। हाँ हाँ, अब आ गया समझ। अच्छा। हाँ हाँ। तो दो बार, अगर दो बार सेवन मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? दो बार जीरो होगा। दो बार जीरो, क्योंकि सेवन स्क्वायर कम्प्लीट हो रहा है ना। हाँ। तो एनी नंबर इनटू सेवन स्क्वायर तो लास्ट में दो जीरो होगा। तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में जो यूनिट डिजिट होगा वो तो जीरो होगा ही होगा, और एक और जीरो होगा बस, क्योंकि और सेवन नहीं है, दो ही बार सेवन मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा सर, अगर हम इसमें जो ब्रैकेट के अंदर पूरा डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे वो तो फिर गलत अप्रोच होगा, तो लंबा हो जाएगा। क्यों करोगे? नहीं नहीं, बट मैंने मल्टीप्लाई करके क्या था तो वैल्यू आ रही 2646। नहीं, वो तुमने गलत किया होगा, गलत अप्रोच नहीं। नहीं सर, मैंने भी ऐसे ही किया था तो सेम वैल्यू आ रही थी, और अगर हम उसको बेस कन्वर्ट करें तो 6 × 7 = 0 होगा लास्ट वाला। एक मिनट, इसका मल्टीप्लाई करके क्या आया तुम बताओ? 2646 आया था ना। हाँ। I'm not checking this multiplication. ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने सही किया। हाँ, कैलकुलेटर से किया था। ठीक है। अब हम इसको अगर 7 के बेस में लिखना है तो 7 का मैक्सिमम पावर देखते हैं ना। हाँ। तो 7 का मैक्सिमम पावर क्या क्या हो, क्या होगा यहाँ पे? जैसे 7 to the power 1 होता है 7, 3 स्क्वायर होता है 49, 7 होता है 343। कितनी बार होगा? 3 कितनी बार होगा? दो बार है ना, 2 × 7 to the power 3। तीन बार आएगा। क्या कह रहे हो तुम लोग यार, ये 343 कितनी बार इसमें आएगा? अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ हाँ समझ। और 7 to the power 4 कितना होता है ये मेरा बताना। नहीं नहीं, हम मैं समझ गई क्या गलती, कन्वर्जन में गलती हो गई थी। हाँ, ये पहले तो बताओ, 7 to the power 4 कितना होता है ये तो बता दो मुझे। 2401 तो पावर 4 यूज होगा, 2401 है ना। हाँ। तो ये 7 to the power 4 है, तो ये मतलब हम यहाँ लिखेंगे, और वो भी एक बार, 2401 जो है एक बार है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 1 और 4 जगह छोड़ देंगे, ठीक है, और हम इसके बाद लिखेंगे 2401 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा मेरे पास कितना, 245। 245 में 7 का कौन सा पावर यूज हो रहा है? स्क्वायर वाला, यानी कि 3 वाला तो कोई यूज हुआ नहीं, तो 3 वाले पे 0,
स्क्वायर वाला कितनी बार यूज हो रहा है, 49 कितनी बार यूज होगा, 4 बार यूज होगा, होगा ना 49, हाँ 4 बार, 4 बार यूज होगा कि 5 बार यूज होगा, सीधा 5 का, हाँ 5 बार, 49 टू 5 होता है ना, हाँ 50 माइनस 5 245, हाँ हाँ 245 ही होगा, हाँ 5 बार हो जाएगा, तो ये 500 हो गया। अपना वाला मेथड बताना सर एक और बार, जो हमने किया था आपने पहले बताया, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों ने क्या क्या किया होगा प्रांजल? हाँ सर समझ आ गया, वो गलत ही अप्रोच थी। गलत अप्रोच नहीं था, गलत तुमने किया है। हाँ मतलब हमने कैलकुलेट गलत किया है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर अगर किसी भी नंबर में जैसे जैसे हम नंबर लिखते हैं ना, 1 times 7 है तभी तो हम 10 लिखते हैं। अगर हम डेसिमल का दिस इज 7 का ये, तो अगर हम दो बबार मल्टीप्लाई कर दे किसी नंबर से, जैसे 3 × 7 × 7 लिखते हैं, तो ये नंबर हम कैसे लिखेंगे, 300 लिखेंगे। तो जितनी बार 7 मल्टीप्लाई होता है ना, अगर ये गलती से ऐसे लिख दिया होता 15 × 7 × 7, तब भी हम क्या करते हैं, हम ये देखते कि कितनी बार यूज हुआ है यहाँ पे, है ना, मतलब 0 3 बार नहीं आता, क्योंकि 15 जो है इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7। तो जब हम इसको इसको ब्रैकेट में मतलब इसको 7 के बेस में लिखेंगे तो 0 0 दो ही बार आएगा, क्योंकि 7 इज बीइंग मल्टीप्लाइड जस्ट 2 times, और ये जो 15 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इट इज नॉट 7 का मल्टीपल। समझ में आ रही है नहीं आ रहा है? पक्का मुझे लग रहा है। चलो मैं इसको कर दे रहा हूँ, मैं 15 × 7 × 7 जो है इसको मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, पहले बोलूंगा ना कि 7 7 के दो सेट्स है, मतलब 2 × 7 × 7 × 7 ऐसा ऐसा है, और 1 × 7 × 7 है। हाँ। क्या 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 इस चीज, मतलब आपने वो दो सेट का डिनोट कर दिया क्या? हाँ, दो सेट्स अलग कर दिया, एक सेट अलग कर दिया। मतलब 7 × 7 को, मतलब 14 को इसमें डाल दिया। हाँ, ये 7 × 7 तो है ही ना, इसको मैंने नहीं छुआ। ठीक है, ये 15 टाइम्स है तो 14 बार यहाँ लिख लिया और यहाँ एक बार यहाँ लिख लिया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्या किया मैंने, 15 को मैंने 2 × 7 और 1 कर दिया, तो अब ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे, 2 000 लिखेंगे ना ऊपर वाले को, इसको। हाँ ठीक है। हाँ। और नीचे वाले को कैसे लिखेंगे, 1 000 जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 100 तो मेरा पॉइंट ये है कि दो बार अगर 7 मल्टीप्लाई हुआ है तो दो ही बार 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ, क्या हुआ? ऊपर भी यही करा था ना सर आपने? ऊपर में ऐसे नहीं किया था, ऊपर में तो पूरा नंबर लिख के किया था ना, ऊपर में भी ऐसे किया जा सकता है। जैसे ऊपर में मेरा नंबर क्या था, क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा था बताना जरा सा। ऊपर में मल्टीप्लाई हो रहा था हमारा 2 × 7 × 7 × 3 × 9 ऊपर में मल्टीप्लाई हो रहा। जब हम 2 6 4 6 द बेस 10 लिखा हुआ उस पे हम लोग 7 में कन्वर्ट करते तो हमें पता कैसे चलता है कि कितने डिजिट्स होंगे? हाँ वो तुम्हें बता रहा हूँ ना, जैसे उस केस में हमने ऐसे पता चला था कि हम 7 का पावर देख रहे थे कि मैक्सिमम कौन सा यूज हो रहा है, तो हमें देखा 4 पावर। हाँ। तो 4 पावर को हम कैसे लिखते हैं, 1 पे 4 जीरो लिखते हैं ना। हाँ। तो ये 5 डिजिट का नंबर होगा। हाँ। क्योंकि क्योंकि 7 पे पावर 4 2 4 0 1 होता है। ठीक है, तो इसमें इसमें 2 4 0 1 अगर दो बार होता है तो 2 पे 4 0 यहाँ 2 लिख देते फिर 4 0 लिखते, अगर ये 3 बार यूज होगा तो 3 लिख के 4 0 लिख देंगे, ऐसे करते हैं। तुम अगर 2 4 नंबर कन्वर्ट करोगी ना तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी।
मैं बोला था हाँ जैसे मैं ही बोला था कि इसको हमें कन्वर्ट करना था ना, तो इसको मैं ऐसे कर सकता था। देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे इसको मैंने ये छोड़ के बाकी सब मल्टीप्लाई कर लिया, बाकी सब कितना है 57 अब सुनो, अब ये मैंने क्या कर दिया, ये तुम्हारा 7 × 7 × 7 का 7 टाइम्स है, मतलब 49 को ऐसे लिख दिया। हाँ, और प्लस 4 कर 5 कर, प्लस 5 × 7 7 × 7 कर दिया, ठीक है। इसको इसको कैसे लिखेंगे, ये 4 बार 7 मल्टीप्लाई हुआ है ना, 4 0 इसको कैसे लिखेंगे, 5 0 0 5 2 और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे हम, ठीक है, मतलब एडिशन के थ्रू कर लेंगे। हाँ, मतलब जैसे भी करो, बट मेरा पॉइंट ये है कि जितनी बार बेस मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी बार लास्ट में जीरो आएगा, अगर हम उस बेस में कन्वर्ट करें तो। ये समझ में आ गया तुम लोगों को? तो अब अगर तुमसे ऑल ऑफ सडन पूछा जाए, ध्यान से सुनो, ऑल ऑफ सडन तुमसे पूछा जाए कि तो अगर हम 7 के बेस में कन्वर्ट करें तो कितने जीरो हैं? मतलब 7 के बेस में 50 फैक्टोरियल को लिखेंगे और फिर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कितने जीरो दोगे? मतलब जो वाला होता ना, जैसे 49 वो दो 7 के दो दो के उसमें हो जाएगा ना मल्टीपल पे, जैसे 49 हो गया, 14 21 में एक 7 आया। क्वेश्चन टोटल 7 है कितने, टोटल 7 है कितने 50 फैक्टोरियल में, कितनी बार मल्टीप्लाई? 8 है, 8 बार होगा। हाँ, हर 7 पे एक बार 7 है और 49 में 2 बार है। हाँ, तो 8 बार 8 जीरो जो होगा लास्ट में जीरो, तो जब हम 7 के बेस में करेंगे तो देयर विल बी 8 जीरोस एट द एंड। हाँ, ये बात समझ में आ गई सबको? अब मुझे बताओ कि अगर हम 50 फैक्टोरियल को 8 के बेस में करें तब कितने जीरोस होंगे, या ज्यादा आएगा कि कम आएगा, पहले बताओ। जैसे 7 के बेस में 8 जीरो था, कम आएंगे? तुम लोग ध्यान से सोचते नहीं हो गया, एक तो आवाज किसकी आ रही है, पता नहीं कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम बोलने वाले पहले कान पकड़ो। ज्यादा जीरोस होंगे, क्यों? हाँ, हाँ, समझ। 4 into 2 वाले भी, क्योंकि दो जब भी तीन बार दो मल्टीप्लाई होगा, तो व्हेनेवर यू विल गेट 2 × 2 × 2 यू विल गेट 118, तो एक जीरो इससे मिल जाएगा मुझे। तो हम बेसिकली इसमें काउंट करेंगे कि कितने दो हैं, तो 50 में कितने दो हैं, तो 50/2 करते हैं, फिर 50/4 करते हैं, फिर 50/8 करते हैं, फिर 50/16 करते हैं, फिर 50/32 करते हैं, यहाँ से आया 25, यहाँ से आया तुम्हारा कितना 12, यहाँ से आया 6, यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 1, टोटल कितने हो गए हमारे बताना जरा सा, 25 और 12 और कितने हो गए, 37 तो यहीं से आता है। अरे मैंने नंबर ऑफ टू काउंट किए, नंबर ऑफ टू क्यों गिना,
क्योंकि टू थ्री टाइम्स अगर टू अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो एट बन जाता है, ठीक है, और वन एट मल्टीप्लाइड इज वन जीरो, तो हम सीधा नंबर ऑफ एट भी तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन लेकिन उस केस में जो फोर इंटू टू काउंट होता नहीं होता, नहीं होता, सारे कॉम्बिनेशन काउंट नहीं, टू काउंट कर रहे हो, अच्छा क्योंकि वो छोटा वाला काउंट करते हैं ना, जो हमने पहले नंबर ऑफ दिया था, तो अब हम 47 डिवाइड बाय 3 करेंगे, यस हम ये देखेंगे कि तीन तीन के कितने सेट्स बनेंगे, तो 47 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 15 टोटल सेट्स बन रहे हैं, 15 जीरोस, तो यहां लास्ट में 15 जीरोस हो, ऐसे करके 15 जीरोस, ये बात समझ में आ रही है, सही क्वेश्चन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? हाँ। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी तुम लोग एज इट इज कर सकते हो, जैसे डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करते हो, है ना, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं 24 इंटू 47 इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम डेसिमल में, तो कैसे करते हैं, तुम बोलते हो पहले 7 इंटू 4 करते हैं, ठीक है, आप कितना लिखते हो, उसके बाद 28 होता है तो 28 का 8 लिखते हो, ठीक है, एंड 28 का 8 लिखते हो और 2 आपका कैरी ओवर हो जाता है, तो दैट इज नॉट बेसिकली 2, ये 2 टाइम 10 है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 2 टाइम 10 इंटू 7 यानी 14 टाइम 10 हो जाता है, ठीक है, तो आपको ये सब ये बोलते तो हो नहीं ना, आप क्या बोलते हो, आप 2 कैरी ओवर कर लिए फिर 7 इंटू 2 करते हो 14 हो गया, 14 प्लस 2 करते हो 16 हो गया, 16 का यहाँ क्या लिख देते हो 6 और फिर यहाँ 1 ऐसे लिख देते हो, ठीक है, फिर 4 इंटू 4 करते हो तो 4 इंटू 4 करते हो तो 16 होता है, यहाँ पे ये वाली जगह छोड़ देते हो, क्यों छोड़ देते हो बताओ, Why we leave this place? वो 40 है ना, 47 का 40 है वो. Yes, ये जो है ये 4 time 10 है. और 4 time 10 is being multiplied by 4. That is 16 time, मतलब 16 time 10. तो यहाँ लिखना भी होता तो हमें 0 लिखना होता. 0 है वो basically. तो वो 0 नहीं लिख के हम लोग इसको टाइम बचा लेते हैं. और यही बचपन का टाइम बचाया हुआ जो है अभी हम लोग को दिक्कत करता है. हम वहाँ 0 लिख दिए होते तो क्या दिक्कत होता हमें बताओ, कुछ कमी पड़ जाती है हमारी, लेकिन नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखते हैं, चलो तो 4 into 4 16 हो गया, 6 हो गया, हम फिर 1 हो गया हमारा कैरी ओवर, फिर 4 into 2 कितना होता है 8 और 9 प्लस 9 तो ये तुम्हारा हो गया 8, फिर 6 प्लस 6 अब तो जोड़ना है, जोड़ना तो आता ही है, 6 प्लस 6 हो गया 2 हाँ 1 और ये हो गया तुम्हारा 1 1, ठीक है, अब नाउ लेट्स मल्टीप्लाई द सिमिलर वो, इसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 में, तो पहले बताओ 4 into 7 कितना होता है, 7 into 4 कितना होता है 28 28 में 8 कितनी बार आता है 3 बार, तो बच कितना जाता है 4 4 यहाँ रखेंगे और 3 तुम्हारा कैरी ओवर हो गया, ठीक है, फिर 7 इंटू 2 कितना होता है 14 होता है, 14 प्लस 3 कितना होता है 17, 17 में कितनी बार 8 आता है 2 बार, बचता कितना है 1 बार, तो 1 बार यहाँ लिख दिया और 2 यहाँ लिख दिया बचने वाला पहला, ठीक है, ठीक है, फिर 4 इंटू 4 कितना होगा 16 में कितनी बार 8 आता है 2 बार, 0 और 2 हमारा कैरी ओवर हो गया, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 10 10 में 8 कितनी बार आता है 1 बार,
तो बचा हुआ क्या है, यहाँ दो लिखेंगे और यहाँ वन लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे तो 4141 ये भी 8 के बेसिस पे आ जाएगा। अब इसको तुम चेक कर सकते हो, जैसे अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कितना होगा बताना जरा सा। वही 1 × 2। अरे तुम लोग फटाफट किया करो, ठीक है। अब 8 × 2 = 16 + 4 = 20 और थोड़ा फास्ट थोड़ा सा कोशिश करो। इसको क्या लिखेंगे, पहले वाले को लिखेंगे 64 × 8 जो भी होता है 39। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, होगा ना ये। और इसको क्या लिखेंगे, जोड़ो तो जरा ये सबको, कितना आता है। ये जोड़ के फिर से 780। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा, आप चाहो तो मतलब सेम बेस में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई सबको बात? हाँ सर आ गया। हाँ ठीक है, अब इसके कोई भी प्रैक्टिस करो और उसको फिर रीचेक कर लो, एक दो मतलब दो चार करो जरूर, लेकिन मतलब समझे, देयर इज नो होमवर्क एज सच असाइनमेंट वाला ये वाला पार्ट, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो तो सीट में है ना, हमने उसमें डाल दिया है ग्रुप उसमें ट्राइब पे, एक दूसरा वाला नंबर्स का सीट, उसमें बेस थ्योरम के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो उसमें क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा ऐसा कुछ कुछ करना चाहिए, जैसे 28 × 37 ले लो, 9 के बेस में मल्टीप्लाई करो,